असल च फौज ने एक तसव्वुर यह दिता है कि जिस बंदे ने इस माडल ते हमला किया है उसके अंदर माडल की दुश्मनी नहीं, उसके अंदर असल फौज की दुश्मनी, उसके अंदर असल फौज की दुश्मनी है। जे माडल नूं गिराने वाले दे दिल में फौज की दुश्मनी है ना, तो फिर आलम की तोहीन करने वाले ज़हन में भी आलमदार की दुश्मनी। मेरे मुहतरम सामईन, शहीद की अजमत नूं मैं बयान कर रहा दो चार दिन तो कि शहीद की अजमत क्या है। यह बहुत अच्छा हो गया, अच्छे मुराद ये नहीं कि जो होया अच्छा होया, नहीं, जिहड़ा उन्होंने ऐलान किया कि तकरीम शहादा का दिन मनाया जाए, कल सारा दिन लैक्चर होए ने, मैं भी तकरीर की कल तकरीम ते कि शहीद की इज्जत क्या है। मेरे मोहतरम सामीन, अगर बंदियां नूं शहीद की इज्जत का पता लग गया ना, फिर सैयद उल शहादा की इज्जत का भी पता लग गया। सैयद उल शहादा भी कोई है ना, शहीद और है, सैयद उल शहादा और है। कायनात के दो हस्तियां जिहड़ियां सैयद उल शहादा गुजरियां ने, एक जमाना सी जदों हज़रत हमजा सैयद उल शहादा सन, और फिर उस तो बाद एक ऐसी जात सैयद उल शहादा हुई जिस तरह आलमदार इस्लाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम रहे ने बड़ी देर, पूरी जिंदगी हजूर के हाथ च आलम रहे। आलम मुख्तलिफ लोगों के हाथों च आया, लेकिन जिदन की हजरत अब्बास ने इस आलम नाल वफा की, उस तो बाद फिर जिथे आलमदार का लफज आया फिर जेब च अब्बास को आलम हो गया। हालांकि बड़े बड़े आलमदार गुजरे ने, और जेडे वेले सईद उल शहादा का लफज जेन च आया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की साथ ही आई है। मैं शहीद की अजमत को कुरान चो बयान करना चाहना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खाली फरमंदा वाला तकूलू लमे युक्तलू फी सबीलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं उनकी पहली इज्जत यह है कि उन्हें मुर्दा न कहना। तकरीब है इज्जत भाई, वो इज्जत है कि उन्हें मुर्दा नहीं कहना, क्योंकि किसी को मुर्दा आखना नहीं ये कोई इज्जत वाली गल नहीं। कोई भी बंदा मुर्दा किसी को आके फरमाना इन्हें मुर्दा ना आखना, होए कतल ने दफन तुसी कर सकते हो, दफन भी कर सकते हो, कुल भी करा सकते हो, दसवा करा सकते हो, खत्म दुआ सकते हो। अच्छा हद दे वे के तुसी उदी बीवी नू बेवा आखो, वो बेवा दूसरा निकाह कर सकती है हालांकि शौहर उहदा जिंदा है। वैसे बंदा जिंदा होवे तो बीवी बेवा नहीं होंदी, अल्लाह फरमांदा शहीद जिंदा है लेकिन उसकी बीवी दूसरा निकाह कर सकती है। मैं क्या अल्लाह वह जिंदा है, वह जिंदा है, उसकी बीवी बेवा किवें होंदी है तो बच्चा यतीम किवें होंदा है। वो बंदा जिंदा है, अल्लाह फरमा रहा शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है तो बीवी बेवा कैसे हो गई। अल्लाह फरमांदा भला किन्ना तशऊरूं, बीवी जाके शादी करे इसलिए कि उसके शऊर में नहीं आ सकता वो जिंदा कैसे, जो शऊर ही नहीं आ सकता जो बेशऊर जाके शादी करे। बच्चा यतीम कहलवा सकता है, तरका तकसीम हो सकता है, लेकिन मुर्दा कहना नहीं उन्हें। एक तो अल्लाह फरमाया उन्हें मुर्दा कहना नहीं, मैं क्या शायद सोचा जा सकता है, लेकिन सूरह मुबारक आले इमरान चल्ला फरमाया भला तहसबन्नत नसीन कुतिब फी सबीलिल्लाह अमवात, सोचना भी नहीं कि वो मुर्दे। एक तो उन्हें आखना नहीं मुर्दा, एक उन्हें सोचना नहीं मुर्दा। क्यों भला किला तशऊरूं, इसलिए कि तुम्हारे शऊर से ये बात बाला है कि वो जिंदा कैसे है। जिस शऊर बनाया वो कह रहा थोड़े शऊर च नहीं आ सकती शहीद की जिंदगी। मैं दोबारा अर्ज कर देना, सोचना उन्ना होंगे जिन्ना किसी का शऊर कम करता। मैं पूछा ना साइंसदान को, सम डॉक्टर समर साहब ने पूछा या कदीर साहब दुनिया तो चले गए, किसी साइंसदान को पूछा मैं समझा के छ कि एटम बम किवें बनता है, हो सकता तो अपना काम कर रहे तेरे वाली गल नहीं, क्योंकि मैं मेरे शऊर नहीं इस काबिल नहीं समझता कि ये तो बंदा वक्त जाया करे। जिहड़ी गल ते वक्त जाया होता है वह करना तो नहीं चाहिए, जिहड़ी गल शऊर च आ ही नहीं सकती मेरा ख्याल सोचना नहीं चाहिए। मेरे मोहतरम सामईन, जिस बंदे ने पुड़ियाँ बनाइया सर साडे पाकिस्तान दी अंग्रेज ने, वो उत्ते लिख के गया कि 100 साल बाद दोबारा बनाया जाए, उन्होंने पता सी कि 100 साल बाद बेकार हो जाएगी। जिस डॉक्टर ने दवाई बनाई है उस उत्ते लिख दिता है यह 2023 बनी है 26 तक बेकार हो जाएगी, 26 तो बाद पॉइजन है, इन्हें इस्तेमाल न करना यह जहर है। मतलब जिन्हें कुछ है बनाई हो पता होंगे किन्ने जोगी, मैं फिर जिन्हें कुछ है बनाई होने पता होंगे किन्ने जोगी। कुरान तो मेरे दोवे हत्थ ने बहुता सोचा जे ना एवें दिमाग फट जाएगा। शहीद जिंदा कैसे होते हैं इस शऊर में ये बात आ ही नहीं। मैं दोबारा कर दूँ,
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਹਜ਼ਰਾਤ, ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਜਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਅਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਿਨਾਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਸੈਯਦ ਸ਼ਹਾਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਾਇਤ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਰੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰੂਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਮਾਰਫਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਖੜ ਕੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਰਵਾਇਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜ਼ਾਈਫ ਹੋ ਗਏ, ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਦੜ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਾਈਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਮਹੇ ਜ਼ਾਈਫ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਜੋ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਤਮਹੀਦਨ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਆਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ, ਤਮਹੀਦਨ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਮਹੀਦ ਦੇ ਦੋ ਤਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਾਈਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਾਈਫ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਬਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸ਼ਊਰ ਹੀ ਐਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦਫ਼ਨ ਕਰੋ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਔਖਾ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਫ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਆਖੇ ਤੇ ਨਾ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੇ, ਦਫ਼ਨ ਵੀ ਆਪ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਨਾ ਮੁਰਦਾ ਆਖੇ, ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਫ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਸਾ ਇਹ ਆਂਝ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜਮਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਨ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਜਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਖੂਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇਗਾ ਕਬਰ 'ਚ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਬਰ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਛੱਡਦੇ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਲਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਰੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਸ਼ੈਵਾਂ ਮੁਤਵਾਤਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਬੱਚਿਆ ਉਹ ਰਾਹ ਖਤਮ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ।
हूँ मैं इस बच्चे आखा पे भी बच्चा आ बंदे जेड़े मेरे नूं वेंदे ने पै, ये बंदे जेड़े मेरी गल सुनदे ने पै, ये बंदे जेड़ी मेरे नाल बोलदे ने पै, तू बच्चा इन्हां नूं जिंदा नहीं समझना। मंगना जी एडी नेड़े जी दा हबीब होवे तो उन्हूं पता ही ना हो। मैं तो वेखो ना जी हबीब साहब मैं वेखे ही नहीं, शुक्रिया। चलो मेहरबानी, मौला इज्जत इजाफा फरमाए। मेरे मोहतरम सामीन, मैं बच्चे नूं उठाया, बच्चे नूं मैं आख्या तुस सारे बंदे तवज्जो कर गए हो कि मैं आख्या बच्चा आ जिहड़े मैं लो जनाब अली तुसी मेरे लोग वेंदे हो पै, ये बच्चे नूं मैं आख्या जिहड़े बंदे मेरे लोग वेंदे ने पै, जिहड़े मेरी गल सुणदे ने पै, ते जिहड़े मेरे नाल बोलदे ने पै, तू बच्चा ना इन्हां नूं जिंदा समझणा है ते ना इन्हां नूं जिंदा सोचना है ते ना इन्हां नूं जिंदा आखणा है। तू आखणा नहीं तुसी जिंदा हो, ते तू सोचना भी नहीं पिए जिंदा ने। हुण दसो भी इस नौजवान वास्ते मुश्किल है कि नहीं? भाई मुश्किल है कि बंदे चंगे भले पै वेंदे ने, हुण ये बेचारा मेरे तो डरता ही तुहानूं मुर्दा आख सकदा। वैसे कुछ तो हुण दिसदा पै कि बंदे वेंदे ने पै, बंदे सुणदे ने पै, बंदे बोलदे ने पै, है मुश्किल ना? है मुश्किल ना? जिवें बैठिया बंदियां नूं मुर्दा समझना मुश्किल है ना, इवें कबरां वालियां नूं जिंदा समझना भी मुश्किल। यारा बैठे बहुत शुक्रिया। यार तुसीं वेंदे हो पै मेरे नूं, तुसीं सुणदे हो पै मेरी गल, मैनूं समझ आउंदी है पई, ते जिहड़े बोलदे हो पै, त्रैवे काम तुसीं करदे हो, ते मैं बच्चे नूं आख्या इहनूं जिंदा ना समझी, ये किवें ना समझे? है मुश्किल। तुसीं चुप इस वास्ते इस वेले बैठे हो कि मौलवी तैनूं होर कोई बंदा नहीं लभ्या मुर्दा आखण वास्ते, साडी मिसाल ही तूं देणी सी। अपने घरदिआं नूं सामने बाहे ना कदे, ते अपने घर के खानदान नूं सामने बाह के आ इहनां नूं मुर्दा समझो। मैं जनाबे अली तुहाडी गल नहीं कीती, कुरान ते मेरे दो हथ ने, मैं मस्जिद नबवी विच रसूल दे सामने बिठा बखा देना, बंदे बैठे भी सन, नबी नूं मिलदे भी सन, सुनदे भी सन, अल्लाह फरमांदा मुर्दे नहीं। मैं गुजरां दी गल नहीं करदा, मैं इमाम बारगा दी गल नहीं मैं करदा जी, मैं कुरान चो पढ़ करना। इहदा मतलब शहीद दी जिंदगी खैर होवे तुहाडी। शहीद की जिंदगी समझने वास्ते मैं सिर्फ एक मिसाल उल्टा के दिती। बंदे बैठे ने, सूरत मुबारका का नाम बाद दसांगा, पहले आयत पढ़ देना, सूरह मुबारका का नाम बाद दसांगा, वह जरूरी है। खालिक कायनात फरमाते वाइजा रायता हूं तो अजी बुकाज शाम हम, मेरे हबीब कुछ बंदे तेरे सामने बैठे हुए होते हैं, जिसम उनके बड़े फिट हैं, जिसम उनके बड़े फिट हैं, कमाल तरीके नाल जिवें आ बंदे बैठे ने, इंज बैठे ने, जिस्मानी तौर पर बहुत फिट ने। अगे बड़ी कमाल गल है, अल्लाह फरमांदा वाई यकूल तस्मा लिकौलिहिम, अगर तू बात कहते हैं तो तू उनकी कान रख के बात भी सुनता है। अच्छा इहदा मतलब है बोलते भी नहीं पै, नबी उन्होंने गल्लां सुनते भी नहीं पै, फिर वो सामने बैठे नबी नूं वेंदे ने पै, नबी उन्होंने वेंदे ने, जिसम बड़े खूबसूरत ने, गल्लां भी करते ने, नबी उन्हां दी गल्लां सुनते ने, जो नबी करते ने वो भी नबी दी गल्लां सुनते ने। ऐ कुरान भाई खाल के कायनात फरमाते ने कअन्नहुम खुशबुन मुसन्नदतुन, मेरे हबीब तौहीद कह रही है ये लकड़ियाँ हैं। क्या बात! और लकड़ियां भी वो नहीं जिन्हें को फर्नीचर बनता है, बालन, अल्लाह फरमाता है ये लकड़ियां हैं जो सुखाने के साथ लिए दीवार के साथ रखी जानी है। ये मुसन्नत है, तुम ना ये मसनत तो सुनी होगी, मसनत, और मसनत ते जिहड़ा बंदा तकिए ते ढोल आके बैठा होंदा है, उहदे पैर थोड़े जिहा अगा होंदे ने ते आप थोड़ा जिहा पिछा होंदा है, इस पासे मसनत पिछा नूं होंदी। ये जड़िया सुखाने वास्ते लकड़ियां रखी होंगे ना, वह भी इंज ही होंगे। तुम तो खैर कल इटली आए, तो पता बालन कि
मैं पहना जी दीवार लकड़िया यार सुखाण वास्ते मेरे असीस ने पहले क्या दिता है दीवारा नाल बालन रखा होंगे बालन ये मैं ना उधर परले पास गया सा किसी दूर के इलाके चो उत्थे ते इंदा रखा है फिर मर पिट के बालन मनवाया है हूँ गुजरां वाले विच जे टाल जिथे इन्ने लचाए हूँ दसो भी बालन इत्थे तो समझाने की लंबी लोड़ नहीं ना बालन एक गल तो दसो ये बालन वैसे तुहाडे इलाके च किहड़े कम आ बालन ध्यान रखा जी इतों मस्जिद चो हबीब साहब बंदा नमाज पढ़ा के निकले जुमा पढ़ा के निकले तो जुमे तो तुम्हें पता रश होंगे जिन्हें एक नमाज हफ्ते च नहीं पढ़ी होंगी और जुमे वाले दिन तुरी जाता हम यार मैं उका काफर तो नहीं ना हो गया जुमा तो मैं पढ़ना जुमे तो इन्ना रश बाहर निकले तो मौली साहब ने बंदा आखे मौली साहब अज तो जुमे च बड़ा रश सी तो मौली साहब फरमा छड पर बाहर लेनी है मौलवी ने अपने नमाजियों अगर बालन आख्या अंदर कोई गलती होगी हो सकता है कि मौलवी साहब इस वास्ते बालन आखन कि जिन्हों के सामने झोली भी फेरी तो किसी चवानी बच्चे नहीं दिखती बालन ये भी हो सकता बालन इस गल तो आखन वैसे ये झोली फेरन के नाल बंदा 2 रुपये ना सुटे तो मौलवी का बालन आखना हो रहे अल्लाह योजना कमां तो बालन अल्लाह को बड़ी अजीब गल है बालन काम का दे होंगे बालन दे प्रेर मुशरफ साहब के एक दोस्त होंगे सन वकील पता नहीं शेर अफगन न्याजी शेर अफगन न्याजी उन्होंने मारिया भी सी बंद मुशरफ दे मुखालफन वो जो मुशरफ के खिलाफ को परचा होता सी ना अगर किसी याद हो गए चूंकि थोड़े जो वडेरा तो मैं ही है ना सारे मुशरफ दौर मैं ही देखा तुम तो 14-14 साल दे सारे जी मेहरबानी वो शेर अफगन न्याजी ने लो जी आप बच्चे ने याद करा दिता है तो मतलब छोटे बच्चे जड़े ने उन्हों की उम्र ज्यादा ना भी हो तो इलम ज्यादा रखते हैं बच्चे ने दौरान बेटे ने याद करा दिता है शेर अफगन न्याजी वो की आते सर वो जदों गल होंगी सी ना मुशरफ के खिलाफ कोई आर्डर आता सी कोर्ट का वो सारे बंदे आते सर फड़ो इन इन्हें कानून तोड़िया इन्हें कानून तोड़े वो की आता सी ओए बेवकूफो 25 नंबर जो शिक है उसे 106 नंबर शिक से मिला के पढ़ो शिक नंबर कानून की 25 हूँ सारा कानून उस पढ़िया है तो पे आता ना कि 25 नंबर 106 नंबर नाल मिला के पढ़ो वो मिलती हो तो मिलानी चाहिए शिक मिलती ना हो तो मिलानी तो नहीं ना चाहिए मैं ना लोगो अगर तुसा बालन समझना है ना बाल पहला मैं बालन वाली गल कर ला ऐसा ना हो कि बंदे शक च पै जाए कि बालन पे आंदा मैं सीधी गल कर देना एक फ्रिज जे उहदे ते लिखिया होंदा नाम ही काफी नाम ही हूँ इमनाबाद की बर्फी आजाद कश्मीर तो भी लग जाती उन्हें भी लिखे नाम ही काफी यह मतलब मशहूर शहर लिखे होंगे नाम ही काफ़ी है बालन बयान करने वास्ते इंशाला नाम ही काफ़ी है सूरत का ना ही मुनाफे कौन है मेरा ख्याल ठीक हो गया सीधी गल तो सूरत का ना की है जी मुनाफे कौन हजरात अगर बालन नु किसे समझना है ते मैं फिर उस शेर अफगन की तरह अर्ज कर लगा मैं तो इस कानून की गल कर रहा जिस बंदे ने ईंधन समझना है जिस बंदे ने बालन की समझ हासिल करनी है और सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 4 को सूरह बकरा की आयत नंबर 24 से मिला के पढ़े सदके जा तुहाडा की याद मैं पहला लभ के रखी है तुहाडे वास्ते सूरह मुनाफिकून की कितने नंबर आए थे 4 सूरह बकरा की कितने नंबर 24 खैर होवे तुहाडी इन्हां दोवां नूं मिला के पढ़ो लो जनाब जे ते मिलती हुई तो थोड़ी बहुत फिर दुआ तुहाडी बनती है ना मिलती हुई तो चुप कर रहना मैं कुरान की आयत पढ़ लगा वो बालन ज़हन च रखना ईंधन ज़हन च रखना खाली फरमांदा वा इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरत मिन मिस्लिही और काफिरो और मुशरिको अगर तुम्हें शक है कि मेरा रसूल खुद ही कुरान बनाता है तो सच्चे हो तो तुम भी इस जैसी एक सूरत बना के ले अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत तुम भी बना
ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਲਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਹਦਾ ਅਕੁਮ ਮਿਨ ਦੂਨਿਲਾਹੀ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਨਾ ਜਿਤਨੇ ਤੁਹਾਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜਿਤਨੇ ਤੁਹਾਰੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਆਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਲਿਆਓਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਰਤ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖਿਤਾਬਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਖਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਫਾ ਇਨ ਲਮ ਤਫਅਲੂ, ਅਗਰ ਤੁਮ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਜੈਸੀ ਸੂਰਤ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਫਾ ਇਨ ਲਮ ਤਫਅਲੂ, ਅਗਰ ਤੁਮ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਫੌਰਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵਾ ਲਨ ਤਫਅਲੂ, ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਮ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲਨ ਤਫਅਲੂ, ਕਰ ਵੀ ਨਾ ਸਕੋਗੇ, ਕਭੀ ਵੀ ਇਸ ਜੈਸੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਬ ਤੁਮ ਐਸਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੋ ਫਤਕ ਨਾ ਰੱਦਤੀ, ਤੋ ਫਿਰ ਉਸ ਆਗ ਸੇ ਡਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਆਗ ਸੇ, ਬਾਲਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਉਸ ਆਗ ਸੇ ਡਰੋ। ਕਿਸ ਆਗ ਸੇ? ਵਕੂ ਤੁਹਨ ਨਾਸੂ ਵਲ ਹਿਜਾਰਤੂ, ਜਿਸ ਕਾ ਈਂਧਨ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ, ਨਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾ, ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜੋ ਜਹਨਮ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਸੇ ਡਰੋ, ਹਮਨੇ ਉਸ ਕਾ ਈਂਧਨ, ਈਂਧਨ ਪਹੁੰਚੋ ਆਖਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਰ ਨਖਰਾਉਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਬਾਲਣ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜਹਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਬਾਲਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲ ਕੇ ਜਹਨਮ ਬਣਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਫਾਈਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਤੂੰ ਕੋਲੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਰਾ ਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬੋਲਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਅੱਗ ਵੀ ਬਣਦੀ, ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗ ਪਈ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੋਪੀ ਚੋਂ ਫਤਮਾਕੂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ, ਅਗਲੇ ਤਮਾਕੂ ਤੇ ਸੜੇ ਤੇ ਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਖ ਬਾਲ ਕੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਾਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਦੋ ਸੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਪਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਗ, ਮੈਂ ਟੋਪੀ 'ਤੇ ਅੱਗ ਧਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਚੰਗਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਠੀਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਲਾ ਲਈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਪੀਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਧਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤਮਾਕੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪਾਉਣਾ, ਬੜੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਮਾਕੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟੋਪੀ ਦਾ। ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੋਟਾ ਤਮਾਕੂ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੀਸਿਆ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਗੁੜ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗਿਆਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨੱਪੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲਾ ਲਈ ਨਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰੀ ਲਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰੀ ਲਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੁੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਲਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਪਈ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਪੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਖਲਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ ਵੀ ਕੋਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬਣਾਏਗਾ, ਕੋਇਲੇ ਕਾਹਦੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਨਗੇ,
सड़न गए तो कोले बन गए उदे विच बंदे डिगण गए। इन्हां मतलब है जिन्हां दे कोले बनने ने वो इंसान होर ने जिन्हां विच डिगणा है वो बंदे कोले बनने ने फिर दूजे इंसान डिगड़े ने ये फर्क की एडा स्वाद है। अल्लाह फरमाता उ इद्दत लिल काफिरीन वो हमने दो दोज़ख तैयार कर रखा है काफरों के लिए सदके जाना काफिरों के लिए वो जिन्हां दे कोले बनने ने वो काफिर नहीं नाम ही काफी है यार बोलो बोलो नाम ही काफी है। की नाम सी मुनाफिकून एदा मतलब है कोले बनने ने मुनाफकां दे विच डिगणा है काफरां ने। नबी दी कुरान दी कसम है नबी नू मस्जिद नबवी च बंदे पुछया या रसूल अल्लाह काफर किसे कहते हैं फरमाया जिसके दिल में अल्लाह का बुग्ज हो मुनाफिक किसे कहते हैं फरमाया जिसके दिल में अली का बुग्ज हो मुनाफिक बैठा होवे तुरदा होवे भजा फिरे जी मुर्दा मुर्दा ते जिहड़ा शहीद है ओ जिंदा है। ए कुरान है इक्को आयत पढ़ना ते जनाबे अली तुहानू मिंबर तुहाडे हवाले करना। ए मैं अंदाजा लाया कि कई बंदे मुर्दा दफन करके उठते ने दफनाए मर गया सी उड़े आउंदा सिगरट लाया हुंदा बंदे ओह समझदे ने सी जिंदा हो। मैं तुहानू कुरान चो साबित कर देना कई बारी जिहड़ा दफन हो रहा हुंदा है वह जिंदा हुंदा है। सदका जावां सदका जावां ते जिहड़े मिट्टी पा रहे हुंदे ने ओ मुर्दा होंगे ने। ओ मैनू आयत लग गई ओ आयत ही पढ़ के जा समझ लगा जी सूरह मुबारक अनफाल जी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सही या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वली रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। अज मेरे उस्ताद मुकर्रम दी बरसी है मैं पढ़न जा रहा किबला साबर नकवी साहब ओ आयत पढ़ते सन अज मैं जरूर पढ़ना चाहता सा अज मैं पढ़ दी। ओ फरमाते हैं कबर में जाने का नाम मुर्दा नहीं और चलने फिरने का नाम जिंदगी नहीं। कई मरतबा हजार टुकड़ा हो जाए तो अल्लाह मुर्दा नहीं कहने देता। बंदे नबी की बैत कर रहे होते हैं अल्लाह जिंदा नहीं कहता। कमाल है कब्र जाना मुर्दा होने की अलामत नहीं और भजिया फिरना जिंदा होने की अलामत नहीं। आ जाओ अपने उस्ताद के लहजे चर्ज कर लगा उर्दू खतीब सन कमाल दे फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वली रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ओ फरमाते हैं फलसफा मौत और हयात ये है कि अल्लाह ने फरमाया जब मेरा रसूल तुम्हें आवाज दे जो इसकी तरफ आ जाएगा वही जिंदा होगा। रसूल की आवाज पे आ जाना जिंदगी है मोहम्मद को छोड़ जाना ही मौत। जिंदा वो है जो रसूल की आवाज पे लबैक कहे रसूल की आवाज पे आके बंदा कब्र में भी चला जाए तो जिंदा है। रसूल की आवाज को छोड़कर बंदा मदीना भी लंघ जाए जदों असा 21 रमजान नूं मातम कीता लोकां आख्या होए जिउंदिआं दा मातम कर हजरत अली नूं जिंदा कर दिता किहदी वजह तों मातम दी वजह
जिंदगी च मातम ना छड्या। जरा सारा साल अहले बैत नूं मुर्दा आंदा ना, जदों असीं मातम करने आ उह तां जिंदा सन, उह तां जिंदा सन। तां जदों किसे आखे ना या अली मदद, बंदे आख्या मुरदियां कोलों मदद मंगदे, ओह कुरान दा ना ही असीं मुरदियां कोलों मदद नहीं मंगदे, असीं मुरदियां कोलों मदद नहीं मंगदे, असीं मुरदियां कोलों मदद नहीं मंगदे। जिंदगी नबी दी आवाज ते लबैक आखणे ते मैं कुरान सामने करना, तू ही इत्थे हथ रखता इधर मैं रखा, तो मैनू दस तारीख इस्लाम का मुताला कर, लाइब्रेरियां भोर, दावत शिया तो लैके हिजरत तक, हिजरत तो बदर, बदर तो ओहद, ओहद तो हुनैन, हुनैन तो खैबर, खैबर तो फिर गदीर, गदीर तो मुबाहला, ते मुबाहले तो बाद विसाले रसूल। एक मौका साबित कर मुहम्मद बुलाया होवे ते अली ना यार जिंदा लिखे। बारह लफ्ज ने जेडे जिंदगी हयात वास्ते लिखे, मौत हयात मेहरबानी, मौत और हयात ये बारह लफ्ज ने। तशरीह ना करवाया जे आखिर डिवीजन ने गुजरा आना है। इस्लामाबाद में जावा तो मैं उन्होंने यार तुम दारू खिलाफा च रेंदे हो, वड्डे शहर च रेंदे हो, तशरीह ना कराया, तुम भी वड्डे हो, तहसील नहीं गुजराना, गुजरा वाला डिवीजन, डिवीजन यूनिवर्सिटियां होती हैं, डिवीजन के बंदे जिले नालों तहसील नालों वड्डे होंदे। तो मेहरबानी करा जे तशरीह ना कराया जे, वरना हबीब साहब का भी वक्त वक्त ऐसा है, मैसा बहुत ज्यादा ने। यह बारह लफ्ज ने हयात वास्ते, बारह ने मौत वास्ते। तो जे मैं बारह पढ़ा तो मिनट डेढ़ मिनट से बारह पढ़ा, मिनट च दूजे पढ़ देंगे, दो कु मिनट लगने हैं। तो जे तशरीह शुरू करते हैं तो एक लफज से अगर पाँच मिनट लगन तो बारह तो बारह चौबीस दो घंटे लगते हैं। लेकिन नहीं, तुम मेहरबानी करा जे, चलो इंज करा जे ना भी ना किसी बच्चे समझ आए तो बच्चा तुम आखो ठीक है माफ करना, इंज वैसे करना नहीं चाहिए। वैसे मैं वक्त पुछाना पे वैसे समझ आ जाएंगे, एडे औखे लफ्ज कोई नहीं। वो फरमाते ने मौत क्या है, हयात क्या है। हुण आपोजिट लफ्ज लिखे ने, बारह मौत वास्ते, बारह हयात वास्ते। वो फरमाते ने अगर पैगंबर की आवाज पे लबैक कहा जाए तो बंदा हयात में होता है, मौत में नहीं होता। हयात में होता है, मौत में नहीं होता। मेरे को इतने अच्छे शायर और अदीब बंदे बैठे ने, उन्होंने वास्ते मैं बारह लफ्ज पहला लफ्ज ही कमाल किया ने। फरमाते ने सुनो लोगो, हमें पता लग जाएगा। राती मैं लाहौर पढ़ता सा पाया, मैं क्या पढ़िया लिखे बंदे नज़र तो बड़े आ रहे हो, लेकिन हमें पता लग जाता इंशाल्लाह। हाँ, पहला लफ्ज वो फरमाते ने मौत जमूद है, हयात मुतहर्रक है। तसली हो गई है, ठीक है। बाकी लफ्ज हो सकता थोड़े जे आसान हो, ये दुनिया आसान हो, मेरे को मुश्किल भी आ सकता, लेकिन मेरे नहीं, मुफस्सर दे ने। यार बहुत शुक्रिया। मौत जमूद है, मौत जमूद है, हयात मुतहर्रक है। दिल करे हूँ कोई जाकर आके जमूद ही छा गया जे की हो गया। जमूद शादा तो मुराद मारी गया गैर है ना। लो जना तेरी दो नफस आ गया, मौत जमूद है, हयात शुक्रिया शुक्रिया किबला मुतहर्रक है। दूसरा हो गया, एक हो गया, ग्यारह बाकी है। दूसरा फरमाते मौत जुल्मत है, हयात नूर है। मौत जुल्मत है, हयात नूर है। अगे मौत बे इस्तकलाली है, हयात इस्तकलाल है। जिन्हें इस्तकलाल नू समझना होवे ओ पीटीआई ते नजर करे। मौत बे इस्तकलाली है, हयात इस्तकलाल है। मौत बे इरादा है, हयात इरादा है। मौत बे इख्तियारी है, हयात खुद मुख्तारी है। सुनते जाओ सुनते जाओ। मौत बे इख्तियारी है, हयात खुद मुख्तारी है। मौत बे फैज है, हयात फयाज है।
राजी हैं, राजी हैं, गल पहुंच रही है। मौत नबीना है, हयात बिनाई है। मौत सबूत है, हयात रौनक है। मौत वहशत है, हयात मोहब्बत है। मौत इनहराम है, हयात तामीर है। चलो ठीक है, सदके जावा। मौत इनहराम है। बड़ा बंदा जरा पढ़िया लिखा, मैं तो अनपढ़ बंदा, मैं तो ओदी लिखी पे पढ़ना, तुसी फस गए तो मैं भी फस। मौत इनहदाम है, हयात तामीर है। मौत अदम है, हयात वजूद है। मौत अदम है, हयात वजूद है। आखिरी लफ्ज़ सुनो तो जान छुटे। फरमाते ने मौत ताफुन है, ताफुन बदबू नू आंदे, ताफुन बदबू नू आंदे। ओ जेड़ा मुर्दे नू आंदे, छेती करो, छेती करो। किस वास्ते? कितने बदबू ना फैल जाए। ओ फरमाते ने मौत ताफुन है, हयात खुशबू है। हुण वारी वारी गिणदे आ। ओ फरमाते ने सुनो लोगो, जिसने नबी की आवाज को छोड़ दिया वो बंदा जमूद में भी रहेगा, जुल्मत में भी रहेगा, बे इस्तकलाल रहेगा, बे इरादा रहेगा, बे इख्तियार रहेगा, बे फैज रहेगा, नबी ना रहेगा, सबूत में रहेगा, वहशत में रहेगा, इनहदाम में रहेगा, अदम हो जाएगा, ताफ़ोन उसे फैल जाएगी। और जो रसूल की आवाज पे लब्बैक कहे, हाँ वो मुतहर्रिक भी होगा, वो नूर भी होगा, इस्तकलाल भी होगा, उसका इरादा भी होगा, खुद मुख्तार भी होगा, फयाज भी होगा, बिनाई भी होगी, रौनक भी होगी, मोहब्बत भी होगी, तमीर भी होगी, वजूद भी होगा, और खुशबू भी उसी से आएगी। बंदे तो हैरान हो गया सलाम पेश करना। उस पूछा, मौला जब रसूल मौजूद थे ये 12 चीजें खुशबू तक बंदे वसूल कर लेते थे नबी के आवाज पे, आ जाने के बाद जब नबी दुनिया से रुखसत हो गए, अब क्यामत तक वो नबी की दावत कौन सी है जो बंदे में इस्तकलाल भी पैदा कर दे, इरादा भी पैदा कर दे, बंदे को नूरानी भी कर दे, बिनाई भी दे दे, रौनक भी दे दे, मोहब्बत में आ जाए, तमीर भी हो जाए, वजूद भी मिल जाए और खुशबू भी आ जाए। तफसीरे मेरे सामने जनाब कौसर, तफसीरे कौसर ने हवाला देता जनाब असूले काफी दा। और फरमाते ने मोहम्मद के बाद अगर 12 चीजों की वजह से जिंदगी चाहते हो तो मोहम्मद की दावत का नाम विलायत है। आबाद पैगंबर के बुलाने का नाम, पैगंबर के बुलाने का नाम हयात है। इसका मतलब है जिंदा वही है जो विलायत अली का कहे, बीना भी वही है जो विलायत अली का कहे, खुशबू भी, खुशबू खुशबू तो आँदी अपनी नींद, लेकिन मेरे बहुत शुक्रिया किबला मेरे अजीजो, खुशबू उत्थों बंदा गुजरे तो खुशबू आँगी जे चंगी लाई हो, चंगी की गल पै कर, उत्थों बंदा गुजरे लोग आ खुशबू कितों है, क्योंकि सानू मौलवियों पुराने जमाने चो ही नसीब होंगी सी जी मुरदे तो वधी होंगी, पर शीशी एड्डी मुरदे लाने तो बाकी आप ही गाने, वो भी मुरदा तो भी मुरदा। हाय हाय वो भी मुर्दा तो भी मुर्दा, वजह वो नपया मुर्दा तो टुरया फेरा मुर्दा। असल खुशबू विलायत अली, चंगी खुशबू, वैसे चंगी खुशबू हो गई तो दूरों आ जाती, दूरों आ जाती, दूरों आई। हुण कदी कल्या बह के सोचना ये जन्नत की खुशबू जिदे विच सनैन ने कितों कितों तक जाती हो। मैं वैसे अल करना पाया, और याद अगर तुम मैं सलमा जाते सर ना लोगों के घर, एक बीबी ने पूछा असी ताजर दिया बीबियां कस्तूरी का काम करते सर, उन्हें क्या बीबी जी तेरे को खुशबू आँदी है, ये साडा तो नसीब ही कभी नहीं हुई, ये तुम कितों मंगवाते हो? अरे उम्मे सलमा तेरी जुद्दी सिर ते बनना, फरमाते ने असी मंगवाते नहीं, साढ़े घर बनती कि बनती है, पर मैं जो मैं लगा के आई हूँ ये बतूर के बाबे का पसीना है। कदी रसूल चुमते सन, कदी सौंघते सन,
ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੋ ਤਰੇ ਅਨਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁੰਘਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਬ ਬੇਟਾ ਸਮਝਦਾ ਹੂੰ ਤੋ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਜੰਨਤ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੂੰ ਤੋ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 14 ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਦੱਸਣਗਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਮੁਰਦਾ ਜਿੱਥੇ 14 ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੁੱਕ ਇਹ ਲਾ ਮਹਦੂਦ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਲਾ ਮਹਦੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਲਾ ਮਹਦੂਦੀਅਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇੱਕ ਥੱਲੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇ ਬੁਗਜ਼ੇ ਅਲੀ ਕੀ ਬਦਬੂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਸੇ ਆਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਰਵਾਇਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਬਲਾ ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਤਾਜਰ ਪਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ, ਖੂਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤਹਰ ਚੋਂ ਨੂਰਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤਹਰ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਰੋਲ ਛੱਡ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਮੇ ਤਕਰੀਮੇ ਸ਼ੁਹਾਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਪਰਦਾਦਾਰ ਬੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਗਲ ਕੋਈ ਨੀ ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਚੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਆਬਾਦ ਰਵੋ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਨੇ, ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਨੇ। ਇਹ 10 ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਡੀਗਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਆ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਉਹ ਹਮਾਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਇਹ ਲੂਟਨੇ ਆਏਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਦੌਰ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗਲੇ ਦੇ ਗੁਲੂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਜ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਵਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਲੀਆਂ ਛਾਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਰ ਆਖਾਂ ਨਸੀਬ ਆਖਾਂ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਦਿਆਂ ਖੈਮੇ 'ਚ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਸਲਾਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਵਾਏ ਸਨ, ਆਪ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲਾਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲਾਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਪਵਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਸੌ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਵਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੀਬੀ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਹੱਤੁਲ ਮਕਦੂਰ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਆ ਵਾ, ਹੱਤੁਲ ਮਕਦੂਰ। ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੱਤੁਲ ਮਕਦੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਈਆਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਾਦਰਾਂ ਸਨ, ਵਾਲ ਕੱਜੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਲਾਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਥੱਲਿਓ ਫੜ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਫੜ। ਹੱਤੁਲ ਮਕਦੂਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ
किसी चादर को हाथ नहीं किसी का लगा। इन्हों को लंबे नेजे सन, उन्होंने नेजिया न चादर दतिया ने। आ जड़ा मैं टंगया अपने हाथ से गुलाफ, इनू कोई शाही थोड़ा होगा तो नाल जुड़ जाएगा। यह ज़्यादा रुकावट क्यों नहीं हुई? इस वास्ते थल्यो किसी फड़िया नहीं। जे किसी घुट के अपनी ताकत ना थल्यो फड़िया हो, मतलब फिर इन्हें जरा मुश्किल लैना, मुश्किल लैना। इको लफज है, किसी बीबी के सर तो उस वक्त तक चादर उतरी नहीं जदों तक वह मूँह खून ना लग। आशिक क्यामत साहब के बेटे पढ़ते सर, रिजवान क्यामत साहब बहुत अच्छा उन्होंने मैं जुमला महसूस किया। अपने वालद का जुमला पर पढ़ते सर, वो जदों कोड़े मार मार के अपनी बीवी को मार देने लगे ना हारिस, वो मुँह चो एक लफ्ज निकलिया, ज़हरा हुण मेरा बस नहीं लगा। बीबिया का एक जुमला हर बीबी का आया जो वज वज के ना नेजे, यार मजाक आज नेजे वजते रहे आज, तो फिर बीबिया के हाथ छुटते गए ने, तो खून मूह ते आ गया, तो चादर बुलंद होंदिया गई। जो चादर नेजा तो चढ़ के हसते बंदे तो नचते बंदे आ निकले ने ना, ना खैमा गा जिथे सी उतो अज निकले ने। सिर्फ एक बीबी सी जी दोवे हथ करके भी आती सी मैनू गंढ खोल लैन दो, चादर नाल गंढ बत्ती सी। कोई कीमती शाही होंगी है बीबिया की, चाबियां बनदियां ने चादर नाल, ये अपन दुपट्टिया नाल पैसे भी बनदियां। एक बीबी सी वह कौन सी जो उस कहना ना मेरी गंढ खोल के वेख लो तुहाडे काम की शायद लै जाओ, तो जे तुहाडे काम की नहीं आवाज रवा मैं दे जाओ। एक सौ बहन सुने दोगो, अगर तुहाडे काम की शाय हुई तो लै जाओ, अगर तुहाडे काम की नहीं तो मेरी बड़े काम की है मैं दो जाओ। आज करके बीबी गल भी करती सी, हजरत बीबी जनम को आके फरमंद ने रुबाब चुप कर, शर्माया जेड़ा भी तुर गया चुप। बीबी का हुक्म सुन के बीबी चुप हो गई, चादर लै गए। जो कैदा छुट्टिया चादर भी आ गए गठड़ी रखी, हजरत रबाब ने फिर आख्या बीबी जान जेड़ी भी चादर दोगे मैं तो सिर ते रखनी है ना, लेकिन अगर हो सके तो मेरी चादर नाल गंढ बंदी, अगर किसी ना खोली हो मैनू आबाद रहो। सदके जावा सदके जावा, औलाद औलाद की दुआ जरूर मांग लैना बीबी, हाँ सदके जावा बीबी। फिर मैं वो गंढ जी बंदी वो चादर मेरी मैं दे दो, अगर हो गए तो खोल के लै गया तो फिर मैं कोई गल नहीं। बीबी ने चादर देंद्या देंद्या एक चादर आई अजी तो जिंकी गंढ वाकई बंदी सी। बीबी फरमाया मास कर दी आ जा तेरी चादर मिल गई है। बीबी ने किला वो गंढ जी है इतने रखी है, दूजी चादर उत्ते की है। अगला पूरा सफर बीबी तुरती थोड़ा सी चुमती बहुत करबल तक चुपते आए ने, मदीने तक चुपते आए ने। तुहानू पता है बीबी धुप ते बैठे रहे सारा दिन, धुप ते बह के बीबी उस गंढ नू चुमदे सन। मेरिया तीया भैन ज्यादा महसूस कर लिया, जिदन मुख्तार ने उर्मला बेगैर का सर भेजे उस अगर बीबी नू आखो एक बार छान ला जा, कम से कम मैं रसूले खुदा नू आखांगा मैं तेरी नू एक बार कोशिश करके तरला करके छां तक लिया। बीबी ने फिर मैं सजाद कफन लाया, मैं तो शहीद आजम नाल वादा करके आई हूँ कि मैं हत्तुल मकदूर, हत्तुल मकदूर फिर आखिर मैं छां तो नहीं जावगी। जो बीबी छां मैं छड़ दी गल, जो बीबी छां तो आने लगे तुम्हें पता बीबी की रूह परवास कर, बोलो परवास कर गई। वो जो रूह परवास कर गई तो तिलक के सर इतने आ लगा, हजरत सज्जाद ने वेड़े चंद लटाए ने ना। हाँ जो सज्जाद लटाइए जहरा दिन उदो छां ते सी, आबाद रहो जनाब मैयत ही छां ते आए ने, आए जरूर ने। जेडे आखिरी जुमला है आ जेडे वेले छां ते रखे है ना फूफी भतीजे ने, उस वेले जहरा दी धी ने आखिया सज्जाद आजो गांडी खोल, जरा जमाना वेख लवे